दोस्तों शनिवार को इंटरनेट पर पंजाब के एक आईपीएस आशीष कपूर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आईपीएस अधिकारी एक महिला पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। खबरों के मुताबिक महिला का गुनाह ये है कि उसने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ उगाही का मामला दर्ज कराया था। वहीं आईपीएस इस पर भड़क गया और उसे बुलाकर बुरी तरह पीटा गया। ये वीडियो देखिए। अब आपको बताते हूँ दोस्तों कि ये वीडियो 2018 का है, लेकिन महिला के वकील ने हाई कोर्ट के जज को पेशी के दौरान इसे दिखाया था कि किस तरह आईपीएस मेरे पे थप्पड़ जड़ रहा है। इस वीडियो में आशीष कपूर उस महिला को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह मार रहा है। आपने बोला था मेरे को, बोला था। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने विजिलेंस अधिकारी से वीडियो की पुष्टि भी करवाई। पुष्टि में साफ दिखा कि आशीष कपूर महिला पर किस तरह वार कर रहा है और ये रिश्वत लेने का आरोप है। इस वजह से कि आपने रिश्वत की जो बात है जो मैंने आपसे करी थी उस पर आपने क्यों बोला, अब आप थप्पड़ खाएंगे। ये आईपीएस अधिकारी का रवैया है दोस्तों। इस मामले की सुनवाई लेकिन अब अगले महीने होगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आज ही इस वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा है कि एक महिला ने पुलिस पर धन उगाही का मामला दर्ज कराया तो आईपीएस साहब भड़क उठे और महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है दोस्तों कि मारने वाले पंजाब कैडर के आईपीएस आशीष कपूर हैं। बीजेपी और अब बीजेपी और आप दोनों में होड़ लगी है कि किसके शासन में पुलिस अपराधियों की सेवा और शरीफों को प्रताड़ित ठीक से करेगी। कांग्रेस के अलावा दोस्तों तमाम लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट कर पुलिस अधिकारी के इस रवैये पर नाराजगी जताई है। लोगों ने पंजाब सरकार और पीएम मोदी से आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक यूजर ने दोस्तों वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि केजरीवाल जी दिल्ली में भी यही सब करने के लिए पुलिस चाहिए क्या। एक अन्य यूजर ने दोस्तों ये लिख दिया कि इस देश के आईपीएस और आईएएस नेता से ज्यादा भ्रष्ट है, नेताओं को 5 साल बाद हम हटा देते हैं लेकिन इन्हें जेलना पड़ता है जब तक ये रिटायर नहीं होते। कुछ लोगों ने दोस्तों इस मामले में पंजाब पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है। एक यूजर ने कहा है कि अरे भाई आईपीएस हो तो भगवान हो गए। पंजाब में दोस्तों महिला ने उगाही का मामला दर्ज कराया था, इसको लेकर आशीष कपूर ने महिला को मारा था। एक यूजर ने तो दोस्तों पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिख लिया कि देख लीजिए कुछ मरम्मत हो सके इन साहेबान की, वैसे लगता नहीं इनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। हमारे यूपी में तो घूसखोरी का एक कृतस खेला है, लंबित है। भाई दोस्तों इसके बाद ट्विटर पर भी लोग काफी कुछ लिख रहे हैं। अमित गुप्ता लिखते हैं कि बहुत ही निंदनीय है महिला पर हाथ उठाना, इस अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वही आगे नीरज शुक्ला ने लिखा है दोस्तों कि जनता कुछ दिन के बाद इन सब से उब जाएगी, फिर ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। वही एक डॉक्टर आशुतोष शुक्ला लिखते हैं कि ऐसे आईपीएस सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इनको तुरंत निलंबित करके जेल भेजना चाहिए। मोदी सरकार ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना जानती है, इनके दिमाग में अभी भी पिछली सरकार का ढीला रवैया है। हम आईएएस आईपीएस हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये इन्होंने लिखा है दोस्तों। वहीं उपेंद्र गुप्ता नाम के एक शख्स ने लिखा है कि इनको सजा होनी चाहिए। वहीं आगे अरुण कुमार लिखते हैं कि अगर इस वीडियो
दिखाया गया सही है तो इससे उसका आईपीएस अवार्ड वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हरकतें उस पद को शोभा नहीं देती। इसके साथ अरुण कुमार लिखते हैं कि भाई अच्छा है ये आईपीएस कोई दलित नहीं तो रिजर्वेशन पे भी 1000 ट्वीट आ जाते, और सेकेंडली ये मुस्लिम भी नहीं है, नहीं तो महिला आयोग और न जाने क्या क्या लोग आरोप लगाने लगते। इनका कहना है, सौम्य श्रीवास्तव का कहना है दोस्तों कि अगर ये ट्वीट कोई दलित का दिखता या कोई वीडियो ऐसे दिखती जिसमें दलित शामिल है या मुसलमान शामिल है तो ऐसे तबका भी इसको रिट्वीट करता, इसको बहुत खूब फैलाता, लेकिन यहाँ पर एक आईपीएस है जो उगाही कर रहा है, जो खुद नेता लोग जानते हैं, ऐसे जो तबका है वो जानता है कि आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आईपीएस अधिकारी ने ये महिला के साथ जो इतना हाथापाई की है उस पर लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और द कंटा आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।